आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशायाह की पुस्तक 54वां अध्याय। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा, तेरे कलश में माणिकों से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।